हेलो नमस्कार। हम लोग अभी इस साइंस की सीरीज़ में प्रकाश के प्रावर्तन और अपवर्तन के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको कर रहे हैं, और इसमें हम आपको दो वीडियो लेक्चर यानी दो ऑब्जेक्टिव सवाल का जो वीडियो है वो हम आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, और ये आज तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक करके सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें हम लोग एक लेंस का प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार का लेंस होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तल लेंस है। सवाल नंबर दूसरा को देखिए, कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, और जब हम इससे पीछे दो वीडियो लेक्चर आपको दिए हैं तो उसमें भी हम इस प्रकार के सवाल आपको बताए हैं, अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो। देखिए इसमें इसको कैसे आपको बनाना है सो समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका वक्रता त्रिज्या दिया गया है 50 सेमी। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं, और आर बराबर 50 सेमी दिया गया। अच्छा, इसमें आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो आर हम लोग को 50 दिया गया, और 50 में 2 से भागा दे दीजिए। कितना आसान सवाल है यार, 25 सेमी। तीसरा नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण आपको बनाना है, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का कुछ इसी प्रकार का फिगर होता है। इसमें एक आपका, इसको बोलते हैं मुखच, ठीक है। इसमें एक वक्रता केंद्र होता है और एक फोकस होता है। जब तक आप इसको नहीं बनाइएगा आप इस सवाल को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कितना आप चीज़ों को रटिएगा कहीं ना कहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये आपका, इसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव मतलब इसको पी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखिए सवाल जो कह रहा है उसी चीज़ को अप्लाई कर देना। कह रहा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, मान के चलो कि कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है, ठीक है, और जब आ रही है तो ये दर्पण से टकराती है। कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस प्रकार आती है तो ये दर्पण से टकरा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये किस बिंदु से होकर गुजरती है, यही हम लोग से पूछा गया कि दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये जो किरण है ये इसी फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। कितना आसान सवाल था। अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के अगर मुखच के समांतर कोई भी किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर चौथा ये है, तरह किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो आपको इसमें बताना। इससे पिछला एक सवाल आया था उसमें भी हम आपको बताए थे कि आर बराबर 2f एक फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो एफ बराबर आर बाई टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आर बराबर 2f और एफ बराबर आर बाई टू। अब इसमें देखिए एफ बराबर आर बाई टू ये बिल्कुल सही है, एफ बराबर 3r बाई टू ये सारे के सारे गलत है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद करके रखना है, आर बराबर 2f और एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपके, सवाल नंबर 5वां कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 10 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ये भी सवाल हम आपको, अगर आपने उन दो वीडियो लेक्चर को देखा होगा
तो बहुत ही अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस से आप एक चीज़ समझिएगा कि उत्तल लेंस में जो भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब जो ऋणात्मक ऑप्शन है वो गलत है। आप ऑप्शन को कैसे छाटिएगा ये आपकी जिम्मेवारी है, हम तो सिर्फ आपको बता देंगे। अच्छा, फोकस दूरी हम लोग को दिया गया है 10 मीटर। आप लोग को एक चीज़ पता है कि जो क्षमता होता है, क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी, तो 1/ फोकस दूरी 10 है, ठीक है, तो 1/10 मीटर, ठीक है, 1/10 मीटर। अब इसको देखिए, इसको जब आप 10 से 1 में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.1, और क्षमता के यूनिट क्या हो जाएगा, डाइऑप्टर, तो 0.1 डाइऑप्टर किस में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सवाल नंबर 6 देख लीजिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त तो होता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग किसको प्रयोग करते हैं, जब आप बाइक को चलाते होंगे तो आप जो साइड में आईना लगा हुआ होता है उसमें हम लोग केश दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो उत्तल दर्पण का, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, किस उपकरण, आप इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव हो सकता है, तो प्रिज्म, ठीक है। सवाल नंबर 8, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप ऑप्शन को देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कभी नहीं बड़ा बनेगा। 9 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिए मान के चलिए कि ये एक सतह है, जो कि मान के चलो ऊपर में हवा है और नीचे क्या है, कांच है, तो ये जो सतह है ये हवा और कांच को अलग करती है। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, बहुत ही आसान इसको जवाब देना है। ये एक कोई किरण है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए हैं और उसमें इस चीज़ को आपको बताएं कि आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, प्रावर्तित किरण क्या होता है, इन सारे चीज़ों को बताएं, ठीक है। ये आपतित किरण होता है, ये अभिलंब होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये आपतित किरण हवा, ये पूरा में हवा है, ठीक है, तो हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, इसको जाना चाहिए सीधे, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जा करके ये इस प्रकार मुड़ जाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है किसके ओर, तो ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब के ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट। अरे मुड़ना मतलब क्या होता है, अभिलंब के निकट आ जाना। देखो तो यहाँ पर कुछ दूरी है, यहाँ पर कुछ दूर है और यहाँ पर एकदम नज़दीक हो गया। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 फोकस होते हैं लेंस में। देखिए सवाल नंबर 11 को देखिए, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो हमेशा +1 इसका आवर्धन होता है, कोई रोक ठोक नहीं है, +1। 12 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, लेंस बनाने के लिए आप इसको नहीं कर सकते, तो आप लोग कांच को तो कर सकते हैं, पानी को कर सकते हैं, हवा को भी कर सकते हैं लेंस बनाने में उपयोग, लेकिन 12 को आप लेंस बनाने में उपयोग नहीं कर सकते। 13 नंबर सवाल है
कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि सबसे कम होता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ प्रकाश का चाल लिख दिए हैं, आप इसमें से देखकर इसमें जवाब दीजिए। देखिए निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3×10^8 m/s, ठीक है। कांच का जो प्रकाश की चाल है वो 2.0 यानी कि 2×10^8 m/s, और पानी में जो प्रकाश का चाल है वो 2.25×10^8 m/s। तो सबसे कम किसका चाल हुआ, देखिए इसमें 10^8 तीनों में बराबर है। निर्वात में 3 है, कांच में 2 है और पानी में 2.25 है, यानी कि सबसे कम क्या हो गया, कांच हो गया, क्योंकि 2 है तो कांच में प्रकाश की चाल 2×10^8 m/s। 14 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10^8, ठीक है, ये लिखा हुआ 2×10^8 m/s है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए अपवर्तनांक निकालना बहुत आसान है, अपवर्तनांक n बराबर लिखते हैं C/V, ठीक है। C जो होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यानी 3×10^8 निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 होता है, और बटा ये दिया होगा 2×10^8, तो 10^8 से 10^8 कट गया, 3/2 बचा, इसको भागा दीजिएगा तो 1.5 आएगा, और ये जो है वो आज का सबसे लास्ट सवाल है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, एकदम आसान है, वक्रता त्रिज्या हमको 32 दिया हुआ, तो फोकस दूरी a बराबर r/2 यानी 32/2 16 सेमी। कितना आसान सवाल है, तो ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से हम ये इम्पोर्टेंट सवाल को लिए थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब तक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ख़त्म नहीं हो जाता है हम दूसरा चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के जितने भी सवाल हैं उन सवालों को आपको बताया जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, थैंक यू।